लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटे का बटन भी दबा दीजिए जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हाय, आई एम एसपी सिंह। आज मैं सिखाना जा रहा हूँ आपको घनमूल निकालने की शॉर्ट ट्रिक। सबसे पहले मैं एक अंक वाली जो संख्याएं हैं 0 से लेकर 9 तक, ये किन संख्याओं का घनमूल है ये मैं निकालने का तरीका बताता हूँ, या यूँ कहें कि याद रखने का तरीका बताता हूँ। तो इसका क्या तरीका है, ज़रा ध्यान से समझेंगे। मैंने 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं किन संख्याओं का घनमूल है ये यहाँ पर लिख दी है। आप ज़रा इसको ध्यान से सुनना, इस पर ज़रा ध्यान देना। 0 देखिए, दूसरी 1 पर देखिए ये, और दूसरे इसके बाद देखेगा 4, नोट करना ज़रा इसको, इसके बाद 5 और ये 6 और इसके बाद 9। मैंने जो ये नीले लाइन से नीले मार्कर से नोट किए हैं तो इनको ज़रा ध्यान देना। लास्ट में 0 है तो इसका घनमूल 0 है, 1 है तो इसका घनमूल 1 है, लास्ट वाले जो डिजिट है इसका 4 है तो घनमूल 4 है, 5 है तो इसका घनमूल भी 5 है, और जब 6 है तो इसका घनमूल भी 6 है, और 9 है तो इसका घनमूल भी 9 है। तो हम ये कह सकते हैं कि 0, 1 और 4, 5, 6 और 9 अंक वाली संख्याएं जो हैं ये इनका जो घनमूल वही है जिसका लास्ट अंक ये वाला है। तो कुल मिला के ये 10 नंबर हैं, 10 नंबर में से 6 नंबर तो हमें वैसे ही मालूम हो गए। अब बचते हैं 2, 3 और 7, 8। कौन से बचते हैं? 2, 3 और 7, 8। आप जरा यहाँ ध्यान देंगे कि जो 2 है जिसके लास्ट में 2 लिखा है, लास्ट में क्या लिखा? 2। तो देखिए 2 किसके लास्ट में लिखा है, ये तो 2 वाले का घनमूल हो जाएगा 8, 2 वाले का घनमूल क्या हो जाएगा? 8, और जिसके लास्ट में लिखा है उसका घनमूल हो जाएगा 2। ध्यान देंगे, देखिए जिसके लास्ट में 2 लिखा है उसका घनमूल 8, और जिसके लास्ट में 8 लिखा है उसका घनमूल 2। अब इसी तरह से अब जो बची इसके ध्यान देंगे, जिसके लास्ट में 3 लिखा है, जिसके लास्ट में 3 लिखा उसका घनमूल 7, और जिसके लास्ट में 7 लिखा उसका घनमूल 3। देखिए जिसके लास्ट में 3 लिखा उसका घनमूल 7, और जिसके लास्ट में 7 लिखा उसका घनमूल 3। तो इस प्रकार से हम जो है 0 से लेकर 9 तक की जो संख्या है वो किन संख्याओं का घन है ये हम आसानी से देख के ही बता सकते हैं। अब चलते हैं हम इससे आगे की संख्याओं का घनमूल निकालने का तरीका। तो इसके लिए भी आप केवल 2 सेकेंड के अंदर ही इससे आगे वाली संख्याओं का घनमूल बता सकते हैं। इसके लिए आपको ये वाले घनमूल थोड़े से दिमाग में मेमोराइज रखने पड़ेंगे। तो इसका क्या तरीका निकालने का, यहाँ पर देखिए 10 क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं। अब मैं इनका आपको घनमूल निकालना बताऊंगा, बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं, केवल देख के 2 सेकंड के अंदर आप इन संख्याओं का घनमूल निकाल सकते हैं। तो कैसे, सबसे पहले ये क्लियर कर लीजिए कि 3 का घनमूल निकालने के 3 अंक का पेयर बनता है। जैसे देखिए यहाँ पे 2 पेयर बन रहे हैं, तो इसका मतलब इसके घनमूल में 2 अंक आने वाले हैं, ठीक है, क्लियर। इसमें देखिए इसमें भी 2 अंक आने वाले हैं। लास्ट वाला जो पेयर है वो 3 का बनता है, इधर जितने बच जाते हैं उनका 1 पेयर मानते हैं, ठीक है, 3 से ज्यादा का पेयर नहीं बनता है। ऐसे यहाँ पर देखिए 1 पेयर ये हो गया, 1 ये, यानी इसमें भी 2 अंक आने वाले हैं, इसमें भी 2 अंक आने वाले हैं, इसमें भी 2 अंक आने वाले हैं, इसमें भी 2 अंक, इसमें भी 2 अंक, इसमें भी 2 अंक, इसमें भी 2 अंक, और इसमें भी 2 अंक। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इसमें जो सबसे पहला 3-3 का पेयर बन रहा है और उसके बाद जो बचता है उसे हम 1 नाम देते हैं, यानी जितनी भी ये संख्याएं हैं वो इन सबका जो घनमूल होगा वो 2 अंक वाली संख्या होगा, और इनका जो घनमूल है हम डायरेक्ट केवल देख के ही बता सकते हैं। इसके लिए हमने जो ये घनमूल आपको निकालने सिखाए, याद करने का तरीका बताया, ये हमारे दिमाग में फीड रहना चाहिए। तो देखो कैसे निकालते हैं, सबसे पहली संख्या को हम लेते हैं, ये है 1728। अब जरा ध्यान देना, 8 जिसके लास्ट में, तो उसका घनमूल कितना है? 2, तो पहले आप 2 लिख दीजिए, राइट, ये वाला यहाँ से काम खत्म। अब जो नंबर बचा है दूसरा वाला, उस पर देखते हैं 1, तो 1 किसका घनमूल आ रहा, 1 का घनमूल है 1, तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए, क्लियर। नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिए, लास्ट में डिजिट 8 है तो 8 का घनमूल कितना है? 2, यहाँ पर लिख दीजिए 2। अब इसका काम खत्म, पहले पेयर का काम खत्म। अब दूसरे पेयर की बात करते हैं, 74, तो 74 देखिए 74 से जस्ट पहले ऐसा कौन सा नंबर है, पूर्ण घन संख्या जिसका घनमूल हम जानते हैं, तो 74 यहाँ पर 74 देखिए कहाँ आ रहा, 64 से ज़्यादा है और 125 से कम है, तो हमें उससे कम वाला ही लेना, यानी जितना नंबर है ये इससे कम वाला ही लेना है, तो वो है 64, और 64 का जो घनमूल है वो कितना है? 4, यहाँ पर 4 रखेंगे, देखिए आगे आपका आंसर। अब देखिए नेक्स्ट वाला समझते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो फिर ये समझ लीजिए,
लास्ट में क्या लिखा सात, तो सात वाले का धनमूल कितना होगा तीन, हमने तीन लिख दिया। अब जो बचा उसको देखिए, इसका काम हमारा खत्म हो गया। 148 है, तो 148 से जस्ट पहला नंबर कौन सा ऐसा जिसका घन हम जानते हैं, यानी पूर्ण घन संख्या कौन सी है, वो है 125। देखिए 148, ये 216 ज्यादा हो जाएगी, हमें कम वाली चाहिए, ये आ गया पांच, यहाँ पे पांच लिखेंगे और ये आ गया आपका आंसर। अब इसी तरह देखिए नेक्स्ट वाला समझेंगे, 125 लास्ट अंक कितना पांच, तो पांच का घनमूल पांच ही रहेगा। ये जो अंक है 0, 1, 4, 5, 6, 9 का सेम टू सेम रहता है, 2 का 8, 8 का 2, 7 का 3, 3 का 7। तो मैं सोचता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, तो यहाँ बताइए 614 का क्या होगा। यस हाँ, आप जरा ध्यान देंगे 614, यहाँ पर देखिए 729 से कम है और 512 से ज़्यादा है, तो हमने कहा ये जो नंबर है इससे कम लेना है, तो ये आ गया 8, ये आपका आ गया आंसर। ठीक, समझ आ रहा। अब देखिए इसको समझिए, 299 नौ वाले का घनमूल क्या है, 9 का 9 ही है, बात समझ में आ रही। अब यहाँ बचा 970, तो लास्ट 970 किसके बीच मारा, देखिए 729 से बड़ा है, और यहाँ पहले मैं 1000 का बता देता हूँ, तो 1000 का निकालने के लिए सबसे पहले 0 का क्या घनमूल है, 0 ही है, और 1 का क्या होगा 1, तो ये 1000 का घनमूल कितना आ गया 10। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो ये 970 है, तो 970 क्या है 1000 से तो कम है और 729 से ज़्यादा है, तो हमें क्या लेना कम वाला, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे 9 जी, ये आ गया 99 का घनमूल। अब आते यहाँ देखिए, मैंने निकाल लिया, अब यहाँ पर देखिए, अब आपको दिमाग में आइडिया आ गया होगा कि घनमूल निकालने का तरीका समझ में आ गया होगा, 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगने वाले, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो लास्ट का देखिए 7 का घनमूल कितना है 3, 7 का कितना है 3। अब यहाँ पर देखिए 35 इसके बीच मारा 27 से कम रह गया, और 64 देखिए यहाँ पर ध्यान दिए 27 से ज़्यादा है और 64 से कम है, तो कम वाला हमें लेना है, तो ऐसा हो गया 27 3। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट वाला 625, पांच वाला घनमूल पांच ही रखना है, 15 का लिखिए, 15 किस में आ रहा, देखिए ये ज़्यादा हो गया, तो ये वाला लेंगे 2, यानी 25 का। अब देखिए नेक्स्ट है 656, तो 6 किसका है, 6 का 6 ही रहेगा, और यहाँ पर देखिए क्या बचा 46, तो 46 किस में आ रहा, 1 से ज़्यादा हो गया, इससे बीच ये भी ज़्यादा है, तो इसका कितना हो जाएगा देखिए 46 कहाँ पर आ गया 27 और 64 के बीच में, तो हम क्या कहेंगे पहले वाला लेंगे, तो पहले वाला है 3, यानी ये हो गया 36। अब देखिए लास्ट डिजिट है, मैं समझता हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो फिर लास्ट डिजिट ये बता रहा हूँ, उसको ज़रा ध्यान से समझ लीजिए, लास्ट में 9 लिखा है, तो 9 का घनमूल 9 ही रहेगा। यहाँ पर 328 है, तो 328 किस किस संख्या के बीच मारा, जो मैंने यहाँ से ये नोटा लिखी है, जरा ध्यान देंगे 328, 216 से ज़्यादा है, 343 से कम है, तो हमने क्या कहा था कम वाला लेना, तो कितना हो गया 6। तो इस प्रकार से जो है 1 से लेकर 6 अंक तक की संख्याओं का जो घनमूल है वो हम केवल देखकर 2 सेकंड में पता सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो मेरा मेथड समझ में आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ में अपने फ्रेंड को शेयर भी करिएगा। देखते रहिए वीडियो, मस्त रहिए और दबा के लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।